हेलो फ्रेंड, डीना होम किचन में सभी का स्वागत है। तो चलिए आज बनाते हैं चीज़ ब्रेड पिज़्ज़ा रेसिपी। रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने ब्रेड ले लिया है और इसमें जो सब्जी डालेंगे वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पनीर ले लिया है जिनको इस तरह से कट कर लेना है। अब इसमें हम शिमला मिर्च को भी कट करके डाल देना है। आपको जो सब्जी पसंद है वो ले सकते हैं। इसमें अब हम काली मिर्च के पाउडर डालेंगे। इसमें आप प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग प्याज नहीं खा रहे हैं, नवरात्रि चल रहा है तो इसलिए हम प्याज नहीं डाल रहे हैं। तो इसमें हमने काली मिर्च के पाउडर भी डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा देगी मिर्च के पाउडर डालेंगे, इसे ज़्यादा चटपटा अच्छा लगेगा। तो काली मिर्च के पाउडर भी तीखा होता है तो इसलिए हम बहुत ही कम देगी मिर्च डालेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा मिक्स मसाला। थोड़े से इसमें हम डालेंगे पनीर मसाला, इसे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। तो पहले इनको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। अब इनको भी इस तरह से नमक डाल के अच्छे से पहले इन सारे सब्जियों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि शिमला मिर्च पनीर में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको आप पका भी सकते हैं, थोड़ा 2 मिनट के लिए इसको सॉटेड भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम इसी तरह से ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ पर हमने ब्रेड ले लिया है जिनमें हम इस तरह से बटर लगा लेते हैं। आप बटर की जगह घी तेल जो भी खाते हैं वो लगा सकते हैं। तो इसमें हमने बटर इस तरह से लगा लिया, इसको अच्छे से इस तरह से ब्रेड में फैला लेंगे सारे बटर को। तो इस तरह से हमने सारे बटर को अच्छे से ब्रेड में फैला दिया है। इसके ऊपर से हम और काली मिर्च के पाउडर डालेंगे। इसमें आप पिज़्ज़ा सॉस, मेयो, टमाटर, केचप ये सब भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें लहसुन होता है इसलिए हम इसमें नहीं लगाएंगे। अभी नवरात्रि चल रहा है तो लहसुन प्याज हम नहीं खाते हैं, तो इसलिए हमने पिज़्ज़ा सॉस वगैरह नहीं लगाएंगे। इसमें लहसुन डाला होता है। इसमें हमने काली मिर्च के पाउडर ऊपर से डाल दिया है, अगर आप खाते हैं तो लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर से हमने भर भर के डाल देना है चीज़। आपको जितना चीज़ी पसंद है उस हिसाब से डालिएगा। तो पिज़्ज़ा जब भी बनाते हैं तो चीज़ी वाले ही अच्छा लगता है, तो इसमें हम ज़्यादा ही चीज़ भर भर के डालेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें सारे को चीज़ भर दिया है। अब जो हम सब्जी बना के तैयार किया था उसको भी इसमें हम डाल देने हैं। तो पहले इस तरह से हमने पनीर को इस तरह से लगा लेंगे और शिमला मिर्च को भी इस तरह से दोनों ब्रेड पर लगा लेना है। एक बार इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है, बिना सॉस के भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने दोनों तरफ दोनों ब्रेड पर इस तरह से हमने सारे सब्जी को भर दिया है। इसके ऊपर से थोड़ा सा बटर हम डाल देंगे। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा बटर को डाल दिया है ऊपर से, और इसके ऊपर से हम और भर भर के इसके ऊपर से चीज़ को डालेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से और थोड़ा सा बटर डाला है। अब यहाँ पर हम ये चीज़ जो है इसको भर भर के डालेंगे। तो दोनों ब्रेड पर हमने इसी तरह से भर भर के चीज़ को डाल दिया है, देख सकते हैं। तो इनको हमने इस तरह से ऊपर से फिर से इसके ऊपर से हमने काली मिर्च के पाउडर डालेंगे, ताकि चटपटा और टेस्टी बने। तो यहाँ पर हमने दोनों ब्रेड पर फिर से काली मिर्च के पाउडर को डाल दिया है। तो इसको हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो चलते हैं आप गैस की ओर। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को रख दिया है, जो कि गर्म है ये कढ़ाई, और इसमें हम डाल देते हैं बटर। बटर डाल के इसको अच्छे से इस तरह से कढ़ाई के अंदर फैला देंगे। तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा तो इसको हमने निकाल दिया है, और इसको इस तरह से अच्छे से फैला दिए हैं। अब जो हमने पिज़्ज़ा तैयार किया है इसके अंदर डाल देने हैं इस कढ़ाई में, और इसको हम थोड़ा सा ढक देंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक इस तरह से ढक के पकने देंगे, ताकि इसका जो चीज़ है अच्छे से मेल्ट हो जाए और नीचे से अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए ब्रेड। तो अब इसको हमने ढक्कन हटा के दिखाते हैं। तो बहुत ही अच्छा से ये चीज़ देख सकते हैं मेल्ट हो गया है, और ये जो ब्रेड है अंदर से बहुत ही क्रिस्पी भी हो गया है। तो दोनों ब्रेड के हमने इसी तरह से सेक लेना है। ये देख सकते हैं कितना अच्छा चीज़ मेल्ट हो चुका है। दूसरा ब्रेड था उसको भी इसी तरह से हमने इसमें डाल के और सेक लिया है। नीचे से बहुत ही अच्छा ब्रेड में क्रिस्पी हुआ है।
तो दोनों ब्रेड को हमने इसी तरह से सेक लिया। तो ये देख सकते हैं ये ब्रेड पिज्ज़ा बनके तैयार है। तो हमने इसको निकाल लिया है और यहाँ पर ब्रेड चीज़ ब्रेड पिज़्ज़ा बनके तैयार है। रेसिपी अच्छा लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्यारे से कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।